जारी थी। अब आगे बढ़ते हैं सिविल डिपार्टमेंट के बाद जरा पुलिस महकमे की बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में जो बजट जम्मू कश्मीर को लेकर यानी चौथा बजट नई दिल्ली से पेश हुआ, अब एक एक करके डिपार्टमेंट्स को पैसा भी आहिस्ता आहिस्ता दिया जाएगा और दिए जाने के ऐलान भी आए रोज हो रहे हैं। लेकिन पुलिस महकमे में क्या होगा ये जानना इंतहाई जरूरी है। और जम्मू कश्मीर में इस्लाहात पर इस बार जोर है, फोकस इस बात पर है कि सर्विलेंस का जो निजाम है वो बेहतर हो सके। और इतना ही नहीं, अगर पुलिस के अंदर यानी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा सहारा लिया जाना है तो 799 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं इस बार। जो बजट पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस शोबे को कितना मिला, अब पूरे निजाम को विद इन द पुलिस सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश है। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें सबसे पहली बात यह है कि पूरे यूनियन टेरिटरी के तमाम इलाकों के अंदर पुलिस के अंदर निजाम में शफाफियत, निजाम को बदलने बल्कि जो सर्विलेंस का सिस्टम है उसको मजीद बेहतर करने पर जोर है। 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली मरतबा कमांड व्हीकल का इस्तेमाल किया, डीजीपी दिलबाग सिंह के होते हुए वो पिछले बजट में से पैसा इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इस बार ये जो 799 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मौजूदा पुलिस सिस्टम ही नहीं, पुलिस पब्लिक स्कूल और जो एक्स सर्विसमैन हैं यानी पुराने जो पुलिस अहलकार हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी बजट के अंदर कुछ एलोकेशंस रखी गई हैं, कुछ खास ख्याल रखा गया है। एक तो ये कि एक सर्विलेंस सिस्टम कैसे तब्दील होगा, सीसीटीवी कैमरास की तंसीब बहुत सारे इलाकों के अंदर होना इस बार मुमकिन है, जिसके लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। और खुद पुलिस हुकाम मानती है कि जो उनने तजवीज तैयार की थी और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को दी, अथॉरिटीज को दी, तो वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए 799 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए पुलिस महकमे के लिए। एक तो ये कि पुलिस का जो प्लान है उसमें जो कम से कम नेटवर्क है पुलिस का, जब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात हो रही है, सर्विलेंस को बेहतर करने की बात हो रही है, सीसीटीवी कैमरास की मजीद तंसीब की बात हो रही है, इंस्टॉलेशंस की बात हो रही है, तो वो इसी बजट के अंदर आएगा। एक तो उस बात पर फोकस है कि विद इन द टाइम लिमिट कम वक्त के अंदर सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके जरूरत के मुताबिक, एक उस बात पर फोकस होगा। और उसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो, एक तो वहां बहुत हद तक इस्लाहत लाने की कोशिश है इसी बजट के अंदर जो मुख्तस रकूमात हैं। दूसरा, पुलिस के मुताबिक आने वाले वक्त में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है या लिया जाना है, इस बजट में से रकूमात खर्च होंगी तो एक गेम चेंजर के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस महकमे के अंदर ये सारी चीजें या सिक्योरिटी सिनारियों को बेहतर करने में ये इकदाम होगा सर्विलेंस के सिस्टम को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा जो नया सर्विलेंस सिस्टम होगा, न सिर्फ कैमराज और सेंसर्स लगाए जाएंगे, जो अलग किसी चीज पर अगर फोकस है तो मैंने शुरुआत में बताया कि पुलिस थानों के अंदर उन्हें मॉडर्नाइज करना, मजीद पुलिस थाने जो खोले गए हैं वहां पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेना, जो पुलिस जिन हॉस्पिटल्स पर काम करती है उनको अपग्रेड करना, जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं उन पर भी रकूमात खर्च की जाएंगी, वहां पर भी सिस्टम को बेहतर करने पर जोर होगा। और इतना ही नहीं, पुलिस की जानिब से चलाए जाने वाले जो स्कूल्स हैं उन पर भी फोकस इसी बजट की जो कुल एलोकेशन 799 करोड़ रुपए है उसमें से माली साल 2023-24 के दौरान रहेगी। इसके अलावा पुलिस की जो एक तजवीज थी कि HMT श्रीनगर के अंदर चुवादी जम्मू के अंदर 2 पुलिस कॉलोनियां बनाई जाएं, तो उसको वो पहले सिर्फ शायद एक सपना था लेकिन अब हकीकत में बदलते हुए हम इसको देखेंगे। 799 करोड़ रुपए जो हैं इसमें से खर्च होंगे और इसको भी मंजूरी मिलने के बाद अब आप देखेंगे कि 2 बड़े मंसूबे श्रीनगर और जम्मू के अंदर होंगे, ये भी सरकारी तौर पर तस्दीक इसकी की गई है। इसके अलावा पुलिस वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो पुलिस बहबूद के लिए काम करती है, जिसमें पुलिस मार्टियल्स या फिर एक्स पुलिस सर्विसमैन जिनका हमने शुरुआत में बताया जो ऑलरेडी सब दोष हो चुके हैं उन पर ध्यान, उनके लिए अलग वार्ड्स का की तामीरात करना, पुलिस की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूल जिनमें पुलिस पब्लिक स्कूल है, पुलिस हॉस्पिटल्स हैं, उन पर फोकस इस बार इसी रकम में से इसी 799 करोड़ रुपए में से रकूमात खर्च होंगी। इसके अलावा सीसीटीवी सर्विलेंस जो मजीद पहले से हम देख रहे हैं लगाया हुआ है कुछ एरियाज के अंदर, बल्कि बहुत जगहों पर लगाया गया, लेकिन जो बार बार पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि हमने एक चीज पर फोकस करना है कि शहरियों की हिफाजत को उन हसास इलाकों के अंदर कैसे यकीनी बनाया जाए जहां पर कोई नजर नहीं रख सकता, तो तीसरी आंख से नजर कैसे रखें सीसीटीवी कैमरों की तंसीब उन इलाकों के अंदर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर पुलिस कंट्रोल रूम जहां पर है वहां पर फोकस इस बार है, और पुलिस उन तमाम एरियाज के अंदर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर जो बनिहाल और रामबन के बीच वाला स्ट्रेच है इन तमाम एरियाज के अंदर भी सिस्टम
बेहतर किया जाए, सेंसर्स लगे, कैमरा लगे और टेक्नोलॉजी के जरिए सूरत हाल पर नजर रखी जा सके, सिक्योरिटी के एतबार से भी, और दूसरा जो मकामी सतह पर अगर कहीं पर सहूलियात का फुकदान है तो दोनों चीजों को, ये जो बीच वाला गैप है उसको फिल करने की कोशिश है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करने का भी पुलिस हुकाम के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया है तमाम इलाकों के अंदर जहां ऑलरेडी लगे थे, और जितने कैमरास लगे हैं उनको डबल किया जाए, नंबर्स बढ़े, तादाद बढ़े, शहरियों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए और सिक्योरिटी हाईटेक होने जा रही है। पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन अब हसास मकामात पर सेंसर से लेकर सीसीटीवी कैमरास को मजीद लगाया जाएगा। न सिर्फ यहां पर इन लकुमात को खर्च किया जाएगा बल्कि पुलिस वेलफेयर पर भी एक अच्छी खासी रकम को खर्च किया जाएगा, जहां पर दो नई पुलिस कॉलोनियों का तामीर किया जाएगा और शहीद पुलिस अहलकारों के अहलखाना को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए भी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई। और इस साल रवा साल के दौरान पुलिस इन सभी मामलों पर पेशकदमी करके आगे